5, 4, 3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन हिंद न्यूज़। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। आनासागर झील में चली चादर, खोले चारों चैनल गेट। कलेक्टर के निर्देश के बाद खोले गए आनासागर झील के चारों चैनल गेट। अजमेर में भी भाजपा की सदस्यता कार्यक्रम का शुभारंभ। जिलाध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा समेत पार्टी के पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल। हर बूथ पर सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। ऊसरी गेट के नजदीक एक पुराना जर्जर अवस्था में मकान ढहा, नहीं हुई कोई जनहानि। ताराशाह नगर क्षेत्र के लोगों ने टाटा पावर के खिलाफ करी जमकर नारेबाजी। टाटा पावर की पोल मानसून की पहली बारिश में खुली। बरसते रहे बादल, लेकिन फिर भी 2000 से ज्यादा लोगों ने रन फॉर वन रैली में लिया भाग। पुरानी चौपाटी से लेकर नई चौपाटी पर समाप्त हुई रैली। अजमेर के बड़े अधिकारी समेत गणमान्य नागरिकों ने रैली में लिया भाग। अजमेर में भिक्षा मांग रही 13 लड़कियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लड़कियों को किया गिरफ्तार। कलराज में जमकर बरसे बादल, अजमेर में मौसम हुआ सुहाना। अजमेर की दोनों चौपाटियों पर लोगों का लगा जमावड़ा। अजमेर से 60 लोगों का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। आगरा गेट पर अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों का हुआ स्वागत। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।